नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं दम आलू की सब्ज़ी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बना के दिखाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना, और मेरे चैनल सब्सक्राइब में सब्सक्राइब कर लेना। चलो चलते हैं दम आलू की सब्ज़ी बनाने। दम आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे आलू लिए हैं, तो मैंने यहाँ पर एकदम मीडियम साइज़ के आलू लेने हैं, ज़्यादा बड़े और ज़्यादा छोटे आलू आपको नहीं लेने। तो इन सब आलुओं को मैं अच्छे से पहले छील लेती हूँ। तो इनको हम अच्छे से, नए आलू हैं तो मैं ये वैसे वाले चाकू से छील रही हूँ, क्योंकि इससे इनका जो छिलका होता है बहुत पतला होता है, तो इस छीलने वैसे काटने वाले चाकू से अच्छे से निकल जाता है। तो मैं इसी तरह से एक एक करके सारे आलुओं को छील लूँगी। तो इन आलुओं को हमें उगालना नहीं है, बिना उगाले ही इनको कच्चे ही हमें पहले छील लेना है सारे आलुओं को। और आप इस तरह से जो छीलने वाला आलू होता है उससे भी छील सकते हो। दोनों तरीके मैं आपको दिखा देती हूँ, जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से इन आलुओं को छील सकते हो, जिससे आपको सिंपल लगे। तो इससे यह है कि इसको इसका छिलका होता है ना बहुत ज़्यादा उतरता है, और जो हम वैसे वाले चाकू से छील रहे थे उससे बस इसका जो ऊपर का पार्ट है छिलका वाला वही उतरेगा। तो इस जो एक अभी जो पुराने आलू होते हैं वो तो इससे आसानी से छिल जाते हैं, इसका जो छिलका होता है पतला होता है। तो आप कोशिश करें कि इसको हम उसी चाकू से छीलें। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू छील के तैयार कर लिए हैं, चलते हैं अगले प्रोसेस की। तो मैंने आलूओं को छील के फिर से अच्छे से एकदम साफ़ पानी से धो लिया है। धोने के बाद मैं यहाँ पे एक चाकू या फोक ले लेती हूँ, और फोक से हम इसमें इस तरह से होल कर देंगे। तो जो हम इन्हें पकाएंगे तो ये अच्छे से अच्छे पक जाएंगे। और आप चाकू से इस तरह भी होल कर सकते हो, जो भी आपको आसान लगे आप उस तरीके से इसमें होल कर दें। तो सारे आलूओं में इसी तरह से आप होल कर लें। ये जो रेसिपी होती है बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, आप रेस्टोरेंट होटलों का खाना भी भूल जाओगे। एकदम ढाबे स्टाइल हम आपको दही दम आलू की रेसिपी बनाना बताएंगे। तो ये थोड़ा मेहनत का काम है लेकिन करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू में अच्छे से होल कर लिए हैं, आप दिख ही रहे होंगे। तो अब हम इनको पकाएंगे। होल करने के बाद आलूओं को आप बिल्कुल ना धोएं, क्योंकि इनमें पानी भर जाएगा तो ये छींटे पड़ेंगे ऑयल में डाल के। तो मैं इनको सरसों के तेल में डाल देती हूँ। ऑयल रख दिया मैंने गैस पर गर्म करने के लिए। तो आप देख सकते हो कढ़ाई में मैंने ऑयल रख लिया है। ऑयल थोड़ा आपको ज़्यादा ही लेना है, क्योंकि हमें डीप फ्राई करना है इनको। तो ऑयल को हम गर्म करने रखा है, तो ऑयल को पहले गर्म हो जाने देते हैं अच्छे से। जब तक ऑयल अच्छे से गर्म नहीं हो तब तक आप इसमें बिल्कुल ना डालें ऑयल, जब तक हीट ना देने लग जाए। तो ऑयल हमारा हीट देने लग गया है तो मैं इसमें एक एक करके सारे आलुओं को डाल दूँगी। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखें, हाई फ्लेम पर इनको ना पकाएं, क्योंकि आपको पता है कि हमें आलुओं को प्रॉपर पकाना है। तो आप हाई फ्लेम पर पकाओगे तो ऊपर से डार्क हो जाएंगे, जल जाएंगे, लेकिन अंदर से नहीं पक पाएंगे। तो आपको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इनको पकाना है चलाते हुए। इनको पकने में टाइम तो देखो आपको लगेगा ही, लेकिन आपको इन्हें अच्छे से पकाना है, अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते जब तक, और इन्हें अलटते पलटते हुए एक दो बार बीच में अच्छे से पकाएं। इन पर बहुत ही अच्छी कोट और एक अच्छा कलर आ जाएगा, गोल्डन कलर का, जब तक हमें इन्हें अच्छे से पकाना है आलुओं को। आप देख सकते हो इनका कितना अच्छा कलर आया है, एकदम गोल्डन कलर आया है, देखो कितना अच्छा कलर आया है। तो एक बार चेक करते हैं कि हमारे आलू पके हैं कि नहीं। तो यहाँ काफ़ी हद तक हमारे आलू पक चुके हैं, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा इन्हें और पका लेते हैं, क्योंकि जितने अच्छे से हमारे आलू पक जाएंगे उतना ही सब्ज़ी बनाना में आसान होगी। नहीं कच्चे आलू फिर आपको पता है कि नए आलू होते हैं वो धीरे धीरे और टाइट होने लग जाते हैं। तो इन्हें आप 15 से 20 मिनट इन्हें पकाने में आपको लग जाएंगी। तो आप देखो यहाँ पे अच्छे से पक गए, एकदम अच्छा कलर आया है। यहाँ सारे आलू को मैं निकाल लूँगी ऑयल में से। तो ऑयल को एक निकालते हुए हम ऑयल में से आलूओं को अलग एक प्लेट में रख लेंगे, टिशू पेपर के ऊपर, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो भी निकल जाएगा। और यहाँ पे बचा है हमारा ऑयल, तो इसमें जो कढ़ाई में ऑयल है उसको मैं कम कर दूँगी, क्योंकि ऑयल का हमारा कोई काम नहीं है। ऑयल कम करने के बाद क्या करेंगे, अब देखो आप ले रहे हैं वही कढ़ाई में, मैंने इसमें से निकाल दिया है। तो इसमें डाल देती हूँ मैं प्याज, तो यहाँ पर मैं 2 से 3 प्याज को मोटा मोटा काट के इसमें डाल दिया है। और इसमें डाल दिए मैं लहसुन की कलियाँ 8 से 10, और 4-5 ले लिए हैं लाल मिर्च। और यहाँ पर मैं डालूँगी काजू, 8 से 10 काजू ले लिए हैं। और यहाँ पर 3 से 4 टमाटर लूँगी मैं, तो इसको थोड़ा सा घुमाते हुए इसी टाइम पर मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी, 3 से 4 टमाटर ऐड करने के बाद अब हम इनको पका लेंगे। तो इनको हमें सॉटे करना है बिना पानी डाले, इनको हमें अच्छे से सॉफ्ट बनाना है। तो इसको चलाते हुए हम एक मसाला तैयार करेंगे, इसे एक सॉफ्ट बना के तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हो बीच में चलाते रहें, पानी का यूज़ इसमें बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने पानी
डाल दिया तो जो मसाला हमारा बन के तैयार हुआ उसमें जो टेस्ट नहीं आएगा, तो आप देख सकते हो काफ़ी हद तक ये पक चुके हैं। तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और गैस को कर देंगे इस टाइम पे हम बंद। ठंडा हो चुका है तो इसको हम मिक्सी के जाल में डाल के पीस लेते हैं। हमारा इसे पीस लेते हैं तो फाइन पाउडर बना लेते हैं। तो पाउडर बना के हमने तैयार कर लिया। फिर हमने गैस रख पे रख दिया है कढ़ाई, इसमें डाल दिया हमने ऑयल। ऑयल हो गया गर्म, इसमें डाला है मैंने 1 चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ते और जो हमने मसाला पीस के तैयार किया है वो भी हमने इसी में ऐड कर दिया है। मसाला भी मैंने हमने इसमें ऐड कर दिया है। मसाले को हम अच्छे से पका लेंगे चलाते हुए। तो हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक हो ही गया। और इसमें ऐड करूँगी मैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और मैंने 1 चम्मच डाली है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। दोनों तरह की मैंने इसमें पाउडर का यूज़ किया है। अब इसको मैं अच्छे से चला के एक मसाला तैयार कर लूँगी। मसाले को हमें अच्छे से भूनना है चलाते हुए। और जो सब्ज़ी है ना बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इस तरह से दम आलू की रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई करें, आप ढाबे की खाना भूल जाओगे। तो मसाले को मैं अच्छे से भूनूंगी। तो मसाला काफ़ी हद तक भून चुका है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 से 4 चम्मच दही। दही हमें फ्रेश लेनी है। तो यहाँ पर मैंने दही को ऐड कर दिया है और दही को भी हम अच्छे से मसाले के साथ चलाएंगे और मिला लेंगे और भून लेंगे इस तरह से एकदम चलाते हुए। मसाले के साथ हमें दही को भूनना है। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारा मसाले में कलर आया है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में ही। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 चम्मच भर के गरम मसाला। छोटी वाली चम्मच या बड़ी वाली चम्मच ना लें, छोटी चम्मच भर के मैंने इसमें गरम मसाले का यूज़ किया है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज़ किया है क्योंकि मुझे थोड़ा मिर्च में कम नज़र आ रही थी कि इसमें मिर्च कम है। तो हमारे मसाला देखो कितना अच्छा कलर आया है, काफ़ी अब भून भी चुका है, ऑयल भी रिलीज करने लग गया है हमारा मसाला। तो इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे इसी तरह चलाते हुए। बस गैस का फ्लेम लो ही रखें, नहीं हाई फ्लेम पे हमारा मसाला बहुत जल्दी जल जाएगा। और अगर हाई फ्लेम पे आप मसाले को भून रहे हो तो गैस को तब कढ़ाई में चलाते रहें। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है पानी, क्योंकि मसाला हमारा अच्छे से भून चुका था। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करें क्योंकि आप कितनी ग्रेवी रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर अभी इसमें 1 कप पानी ऐड किया है। तो अभी तो ये काफ़ी गाढ़ा है तो मैंने 1 और कप पानी इसमें ऐड कर दिया है। और इसमें डाल दूंगी मैं आलू जो हमने उबाल के लिए हैं, मतलब कढ़ाई में ऑयल में जो उबाले हैं वो वाले आलू लेने हैं हमें, फ्राई जो किए हैं। सारे आलू इसमें डाल दें, इसे ढक के पका लेते हैं। इतना ही पानी ऐड करेंगे हम इसमें, बस 10 से 15 मिनट हम इसे पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो इसमें उबाल आने लग गया है देख सकते हो, तो इसे पकने देते हैं। और कितना अच्छा उबाल आ रहा है तो हम इसे एक थोड़ा सा और पकाएंगे अभी। फिर से देख लो आप, हमारी काफ़ी अच्छी उबाल आ चुका है और इसे पकते पकते 15 मिनट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है, हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। इससे ज़्यादा नहीं पकाना है तो मैं इसमें डाल दिया फ्रेश हरा धनिया। हरे धनिया के साथ हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको चलते हैं सर्व करने। मेरी यहाँ पर रेसिपी बनके हो गई है तैयार दम आलू की। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए ऐसी सिंपल और टेस्टी रेसिपी लाती रहूँगी। फिर मिलूंगी नई रेसिपी, जब तक के लिए बाय बाय।